Assalamu alaikum class 2. I am your math teacher and today we learn page number 64. Let us make the 9th times table. Complete the 9th table and learn. Class हमने 9 का table complete करना है और इसे पढ़ना है. हमारे पास आपको यहाँ पर एक box में object नज़र आ रहा है. इसमें एक box के अंदर 9 dots हैं. Okay class. First of all हम क्या करेंगे? Statement की तरह हमने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद हमने tables में लिखना है. यहाँ इस कॉलम के अंदर. ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास वन बॉक्स था और उसके अंदर 9 डॉट्स थे, तो हमने लिखा 1 9 is 9, यानी 1 9 is 9. और हम यहाँ टेबल्स की तरह भी इसी तरह लिखेंगे 1 multiply by 9, 1 9 is 9. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमारे पास ईच ग्रुप के अंदर 9 डॉट्स हैं, यानी हमारे पास टू ग्रुप्स हैं और ईच ग्रुप में हमारे पास 9 डॉट्स हैं. सो हम क्या करेंगे, टू ग्रुप्स के टू, और क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 9 है सो वी राइट 9 एंड एस. क्लास हमने एस यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास मोर देन वन, हमारे पास मोर देन वन है यहां पर ऑब्जेक्ट, सो इसलिए हमने एस का इजाफा किया है. एस हमने ऐड इसलिए किया है इसके अंदर क्योंकि ये एक से ज़्यादा है. सो नाइन्स, टू नाइन्स आर 18, टू नाइन्स आर 18. अब यहाँ पर हमने टेबल्स में भी लिखना है इसे, टू नाइन्स आर 18. एक हमारे पास डन है क्लास. थ्री हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और ईच ग्रुप में हमारे पास 9 है, सो वी राइट 3 9s are 27. जस्ट हमने टेबल्स में लिखना है इसे 3 9s are 27. गो फॉर द नेक्स्ट वन, 1 2 3 4 4. हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, सो वी राइट 4 4 9s are 36. नाउ द टेबल, 4 9s are 36. ओके, लेट द काउंट दीज बॉक्सेस, 1 2 3 4 5. 5 9s are 45. नाउ द टेबल, राइट इन टेबल, 5 9s are 45. गो फॉर द नेक्स्ट वन, काउंट दीज बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6. सो वी राइट 6 9s are 54. Write the table, 6 9s are 54. Now count these boxes, 1 2 3 4 5 6 7. So we write 7 7 9s are 63. Now write in tables, 7 9s are 63. Count these boxes, 1 2 3 4 5 6 7 8. So we write 8 9s are 72. Write in table, 8 9s are 72. Okay class, remaining questions solved by yourself. It's your homework. Allah Hafiz class, take care, stay home, stay safe.